नमस्कार, झारखंड टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह कोरोना का जो दूसरा दौर रहा उससे आप वाकिफ हैं, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। जिस तरह देश में कहें या राज्य में कहें जो महामारी का लहर था वो आप वाकिफ हैं। आज इसी बात के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेत्री शोभा यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जो कोरोना का दूसरा लहर रहा उसमें लोगों के बीच ये कैसे रही। सबसे पहले तो नमस्कार। कोरोना का जो दूसरा लहर रहा वो आप लोगों के लिए किस तरह से डिसीजन मेकिंग रहा, किस तरह लोगों के बीच आप रही। देखिए, सबसे पहले बात आपको बतला दें कि जो दूसरी लहर था एक तरह से बहुत बड़ा सुनामी लेके आया हुआ था। आप भी देख रहे होंगे कि ये कोरोना का सुनामी जो होता है वो विस्फोटक रूप था झारखंड में, पूरे देश में था लेकिन झारखंड की बात हम कर रहे हैं तो झारखंड में लोग जो हैं ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हम लगातार सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के उनको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हम लोगों ने पूरे जुड़ के भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सारे लोगों ने लगातार करते रहे। और यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की जनता के का जो स्वास्थ्य सुविधाएं जिनको देना था, जिनके लिए सरकार बैठी हुई है जनता के लिए, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उदासीन बने हुए था। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू था। सिर्फ उनको ये था केंद्र सरकार पे आरोप लगाना और उनको बदनाम करना, और उनको ये नहीं था कि झारखंड की जनता पहले हमारी जनता है, पहले उनको हम देखें। यहाँ के जो CM है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो खुद 2-4 दिन घूम के देखते थे और बैठ जाते थे। और जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे बाना गुप्ता जी हैं, उनका तो जो ड्रामा हम लोग देखे वो किसी से छिपा हुआ नहीं था। आपने देखा सदर हॉस्पिटल में, मैंने खुद सब हॉस्पिटल में मैंने जाके देख रही थी, वहाँ लोग मर रहे थे, लाशों को एक साइड करके और उस पर फिर मरीज को भर्ती करते थे। और ऐसा लग रहा था कि जानवर के मरने से भी लोगों को तकलीफ होता, लेकिन यहाँ तो आदमी मर रहा और सरकार को कोई भी व्यवस्था नहीं। एक तरह से पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में फेल हो चुका था। जिस समय बयान आ रहा था हेमंत सरकार का, चाहे उनके मंत्री हो, कि केंद्र सरकार से जो जिस तरह से हेल्प सुविधा मिलना चाहिए, चाहे वेंटिलेटर की बात हो या ऑक्सीजन की, वो सुविधा नहीं मिल पा रही, इस वजह से झारखंड थोड़ा गड़बाया और डगमगाया हुआ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा महामारी के रूप में उभरा कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और लाखों लोग मरे। तो इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पूरे देश में वो कोशिश कर रहे थे और पहुंचा रहे थे, सारे सुविधाओं को पहुंचा रहे थे कि आम पब्लिक को मतलब जान नहीं जाए, उनका ठीक ढंग से इलाज हो पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं कि उन्हें तो यहाँ भी राजनीति ही दिख रहा था, उनको यहाँ भी राजनीति का खेल, आरोप प्रत्यारोप का खेल। पहले तो इनका धर्म बनता था कि आप मुख्यमंत्री पद पे हैं, पूरा यहाँ के झारखंड की जितनी जनता है आप पे निर्भर कर रहा, कि आपकी ओर देख रहा, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बाद में आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा सकते थे, लेकिन पहले तो जान बचाना था। लेकिन ये सरकार, झारखंड की सरकार सोई हुई थी, सिर्फ वो बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना है, यही खेल खेल रहे थे। वीडियो कॉलिंग को वो लीक कर रहे थे कि भाई देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा। उनको ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ की जनता सदर हॉस्पिटल और रिम्स में किस तरह मर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सिर्फ वो 2-4 फोटो खिंचवा के और ड्रामा कर रहे थे। तो ये बहुत ही दुखद बात है और अफसोसजनक है कि यहाँ की जनता ने आपको जिस विश्वास से वोट देके आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आपको बैठाया, तो उस कुर्सी के लायक आप नहीं हैं। और जितने लोग झारखंड में मरे हैं, तो इसके नैतिकता के आधार पे आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी जो लहर है वो हम लोग खत पार कर चुके हैं, जो तीसरी लहर है वो आने वाली है, उसके लेकर आप क्या, सरकार कितनी लगी हुई है, क्या लगता है? देखिए, हम तो डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि बच्चों को खासकर इसमें
बच्चों का ये है कि बच्चों का इस बार बहुत खतरा है इससे, इस लहर में। तो लगातार पेपर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ बेड की व्यवस्था बच्चों को कर दी है, इतना बेड की व्यवस्था सदर हॉस्पिटल में है, रिम्स में है, गए और भी जो झारखंड के अलग अलग राज्यों में, झारखंड के जिलों में है। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ पेपर में ही ये आंकड़े दिए जा रहे हैं, सचमुच व्यवस्था किया गया? अगर मान ले जहां अगर ये लहर की तरह आएगा तो जहां हजारों लाखों बच्चे जो इससे कोरोना का चपेट में आएंगे, तो क्या उनका इलाज 75 बेड और 70 बेड में या 1000 का बेड का सुविधा से हो पाएगा? सरकार को अभी से चेतना होगा और अभी से युद्ध स्तर पे काम करना होगा इनको। अगर नहीं इनसे संभलता है तो केंद्र सरकार से इनको मांग, उनसे मदद लेनी चाहिए और पूरी तरह से बच्चों को सुरक्षा के लिए इनको सोचना होगा गंभीरता से। नहीं तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है उससे झारखंड की जनता और इस बार तो बच्चे, हाँ बच्चे पे असर पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन होगा कि इस बार राजनीति छोड़ के आम जनता के बारे में सोचे कि किस तरह इनको निकालना है इस कोरोना जैसे महामारी से। कोरोना की बात हो गई, अब जो चुनाव में जो मुद्दे थे, खास करके युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि झारखंड में जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाखुश है। तो रोजगार के लिए क्या अब करना चाहिए युवाओं के लिए, खासकर तो युवाओं के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अब क्या सरकार को करना चाहिए? क्या लगता है कि 2 सालों में कितना मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगी कि जब वो चुनाव में लड़ रहे थे तो उसमें उन्होंने झारखंडी नौजवानों से एक वादा किया था कि आपको लाखों की जो झारखंड में आप लोगों को नौजवानों को नौकरियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले तो उसमें करना चाहिए, इनको गंभीरता से उसमें काम करना चाहिए, जो कभी तक कुछ नहीं दिख रहा। और नौजवान डेली मांग कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उनको कोई नौकरी आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी जिला में नौजवानों को नौकरियां मुख्यमंत्री जी के अनुसार दिया गया है जो कि उन्होंने वादा किया था। और दूसरी बात हम और करना चाहेंगे, इन 2 साल में जो हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग थे जो बाहर जाते थे और अभी कोरोना में फंस गए थे, किसी तरह उनको यहाँ लाया गया, किसी तरह अपने ढंग से आए, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो कह रहे थे प्रवासी मजदूर जो भी हैं उनके लिए हम गांवों में योजनाएं चलाएंगे ताकि वो बाहर नहीं जाए और यहीं पर काम मिले। लेकिन हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र में घूमते रहते हैं, आप पता करेंगे, आप लोग खुद ये हैं तो आप देखिएगा कि सारे मजदूर 2 महीना 3 महीना रहे और फिर भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए, तो फिर वो मजबूरन फिर वापस हर दूसरे महानगरों में जाके काम करने के लिए फिर जाना शुरू कर दिए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दावा जो था कि प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देंगे ताकि वो नहीं जाएंगे और पलायन इसका नहीं होगा, तो ये भी दावा खोखला निकला। और ग्रामीण क्षेत्र में आज लोग भुखमरी के कगार पे हैं, तो भुखमरने से अच्छा है को महानगर में जाके बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। क्योंकि आज छोटे छोटे व्यापारी वर्ग की बात भी हम करेंगे जो कि डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति इतना ख़राब है कि मेरे यहाँ सबके यहाँ आपको जाता ही होगा जो नेता हैं, जो समाजसेवी हैं, बच्चों को फीस देने के लिए नहीं है बाप माँ के पास, और दो एक एक साल से फीस बकाया है, स्कूल से नोटिस आ रहा और स्कूल के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा, उनकी मतलब जो बिजनेस था पूरा खत्म हो गया, तो उनकी व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि यहाँ के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको आज घर चलाना भी मुश्किल है, वो बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके लिए आपको गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस कोरोना काल में जो सब ध्वस्त हो गया है तो उनको एक बार किसी तरह आप पटरी में लाएं जो कि उनके बच्चे भी पढ़ पाएं। तो इसके लिए आपको करना चाहिए पहल कि स्कूलों में प्रिंसिपल से बात करके उन गरीब बच्चों को जो नहीं दे पा रहे, चाहे वो मिडिल क्लास लोअर क्लास का जिनका बिजनेस ख़त्म हो गया कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनका फीस माफ़ कराने का एक हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, इसमें एक पहल करें ताकि झारखंड के हजारों बच्चे, लाखों बच्चे जो प्रभावित हैं वो इसमें निकल पाए, हाँ लाभ ले सकें। चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा थी आदिवासियों की, जिस नाम से हेमंत सरकार बनी है, खासकर आदिवासियों के लिए क्या लाभ मिला अब तक,
क्या लगता है 3 साल बाकी हैं वो मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि झारखंड में था कि आदिवासियों के लिए बेहतर काम के लिए झारखंड अलग किया गया था कि इनको सारी सुविधाएं मिले, इन्हें एजुकेशन मिले, इनको स्वास्थ्य मिले, इनको स्वास्थ्य सेवा और रोजगार मिले। लेकिन आप हुआ क्या है, आज भी यहाँ की बेटियाँ बाहर बेची जा रही हैं। आज 2 साल में भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने के बाद भी लगातार ये जो है कि हमारी यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की बेटियाँ बाहर जाके काम करती हैं, उनके साथ यौन शोषण होता है, उनके साथ गलत काम हो रहा है। तो हम तो कहते हैं कि झारखंड अलग हुआ था जिस मकसद से, उस मकसद से हमारे मुख्यमंत्री जी भी भटक चुके हैं। क्योंकि अगर वो बेटियों को और यहाँ नौजवानों को अगर ग्रामीण क्षेत्र, खासकर आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उनको अगर रोजगार उपलब्ध करा दे, तो वो आदिवासी ऐसे ये हैं कि वो अपने ही गाँव धरती जमीन से जुड़ के रहना चाहते हैं, और उन अपने ही अगर उनको रोजगार उपलब्ध करा दे तो वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन 2 साल में कुछ भी नहीं सुने हैं। आप पता कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ दावा करते हैं, उनके दावे खोखले हैं। आदिवासी हो, खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं वो खुद सिर्फ आप समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर और टीवी में आने के अलावा कोई भी काम धरातल में आपको नहीं मिलेगा। आप एक महिला हैं और जो महिला की दर्द वो भली भांति समझते हैं, लगातार जो रूपा तिर्की की बात करें, चाहे इससे पहले की भी जो बात करें, लेकिन रूपा तिर्की का मामला थोड़ा हाईलाइट आया उसे बोल सकते हैं, यहाँ क्या लगता है एक सरकार की मिलीभगत है और कहाँ चूक हुई कि जो सीबीआई जांच भी लगातार उठ रहा है, राज्यपाल से भी मिल रहे हैं लोग, तो क्या लगता है कि जाँच होना चाहिए, क्या सरकार की मिलीभगत है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो बेटी रूपा तिर्की का जो मामला आया, हत्याकांड का मामला आया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि ये तो बहुत ही उदासीनता, मतलब एक तरह से हो सकता है, इस केस में बरत रहे हैं। क्योंकि आपने देखे हैं कि इसमें सीधे मुख्यमंत्री के जो दाहिना हाथ सचिव पद पे जो है पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है, और लगातार लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी अपने कान में लगता है जैसे बंद करके तेल डाल के सो गए हैं, उनको नाम सुनना ही नहीं है। तो पंकज मिश्रा का नाम आ रहा, तो आपको अगर आपको लगता है कि वो नहीं मतलब निर्दोष है, तो आप जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप जांच करवाने से क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके जो पदाधिकारी हैं और आपका दाहिना हाथ माने जाने वाले पंकज मिश्रा जी जरूर इस केस में इन्वॉल्व है, इसलिए आपने अभी तक, जबकि वो आदिवासी की बेटी है, आदिवासी बेटी, आप उसी वोट पे और उसी के पे आप बैठे हुए इस कुर्सी पे, तो उसके लिए भी उदासीन बरतने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पदाधिकारी इसमें पूरा हाथ है और सीबीआई के लिए मांग लगातार कर रहे हैं। अगर आप वो निर्दोष है और आप देख रहे हैं कि हाँ मतलब ये आत्महत्या की है कि या हत्या हुआ है, तो आप अपनी जाँच करवा दीजिए ना, जाँच सीबीआई जाँच हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा मामला, तो फिर आप क्यों चुपचाप किए हुए? इसका मतलब है कुछ इशारा तो हो रहा है कि आपके इस आदमी जो है वो इस केस में इन्वॉल्व है। झारखंड में जो लड़कियां हैं उसको लेकर के जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या खास करके खेल क्षेत्र में, हमारे यहाँ झारखंड से जो 3 बेटियां हैं जो पेरिस में जा करके मेडल जीती हैं, चाहे वो और पहलवानी में भी है, हॉकी में खास करके हैं, तो कितना सपोर्ट लड़कियों को चाहिए, हमारे राज्य की बेटियों की चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रतिभा जो है लड़कियां, जो झारखंड की बेटियों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी, शहरी क्षेत्र में भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभा संपन्न बेटियां हैं, तो उनको सुविधा नहीं मिल पाता है कि वो अपनी प्रतिभा को आगे ले जा पाए, और उनको उस ढंग से उतना बाप माँ सक्षम नहीं हो पाते हैं कि उनको उतना सुविधा उपलब्ध कराएं अपने, ताकि वो ट्रेनिंग लेके बाहर जा सके। तो उसके लिए चाहिए सरकार को कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए कि लोग पहचाने उसकी प्रतिभा को और वहाँ से जिला को जिला में भेजे, जिला अपना देखे, उसके बाद सरकार के पास भेजे। तो ये व्यवस्था अगर किया जाए तो उससे जो प्रतिभाएं, जो छिपी हुई प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, शहरों में भी हैं, तो वो उन लोगों को निकाल के फिर लाने में सुविधा होगा, और झारखंड के साथ साथ देश को भी बहुत
नाम मिलेगा। तो लेकिन ये जो है सरकार तो एक बोर्ड बना दिए, एक बना दिए, लोग सब उदासीन बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो लोग यही कहते हैं कि भाई हमको जाने का सुविधा नहीं है, भाड़ा मेरे पास नहीं है, बच्चे को जो सामान चाहिए वो नहीं है, जूते नहीं है। तो ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उसको आप उपलब्ध करा दिया जाए ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में, वैसा सेंटर बना दिया ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हम बात करेंगे, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत सारी बेटियाँ, जो आप तीन बेटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बेटियां झारखंड से निकल के पूरे देश में, देश को बाहर विदेशों में अपना नाम करेगी और झारखंड का भी नाम होगा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक सेंटर जरूर बनाना चाहिए और वहां चुन चुन के उनको सुविधा देने का काम कर, जबकि खेल प्रगानी वगैरह बना हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत एक्टिव है, ये सिर्फ नामों में और फाइल में काम चलता है और हमको धरातल में तो कहीं दिखता नहीं है। तो इसमें थोड़ा इनको पहल करना चाहिए। ये थी हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेत्री शोभा यादव। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।